साइबर सिटी गुरुग्राम के खेड़ की दोला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी मामले में एसटीएफ टीम ने दो डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक ये दोनों डॉक्टर ही चोरी के मास्टरमाइंड हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1,90,00,000 रुपए कैश, 1.25 करोड़ कीमत का 3 किलो सोना और 45 लाख रुपए की कीमत के यूएस डॉलर्स बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने इस मामले में डॉक्टर सचिंदर जैन नवल, डॉक्टर जेपी सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया और गैंगस्टर विकास लंगरपुरिया के साथ इस हाई प्रोफाइल चोरी की साजिश रची थी। हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 20 अगस्त को अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खिड़की दौलत थाने में चोरी की वारदात दर्ज कराई थी। हालांकि कंपनी द्वारा चोरी की गई रकम के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया और एक अन्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नाम मात्र की रिकवरी दिखाकर मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन जांच में संतुष्ट न होने पर डीजीपी हरियाणा ने इस मामले की जांच 10 दिन पहले एसटीएफ को सौंप दी थी। एसटीएफ के मुताबिक चोरी की वारदात में शामिल दो आरोपियों नीटू और संदीप बुधवार को उन्होंने सरेंडर किया था। उनके बयान के आधार पर पता चला कि डॉक्टर जेपी सिंह ने डॉक्टर सचिंदर नवल को इस बड़ी रकम की जानकारी दी। इसके बाद सचिंदर जैन ने इसकी जानकारी गैंगस्टर विकास लंगरपुरिया को दी थी और करोड़ों रुपए की चोरी की घटना में अहम भूमिका निभाई। एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो खिड़की दोला के इस सोसाइटी में दो कमरे किराए पर लिए गए और फिर मौका मिलते ही बीती 2 और 3 अगस्त 2021 की रात को करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया। एसटीएफ चीफ सतीश बालन ने आशंका जताई है कि चोरी किया गया करोड़ों रुपया काला धन का हो सकता है। दरअसल चोरी 2 और 3 अगस्त को हुई और कंपनी ने 20 अगस्त को इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा छोटी सी शिकायत दर्ज कराई गई, इसमें रकम का भी खुलासा नहीं किया गया।